सोशल मीडिया पर ये सीसीटीवी फुटेज काफी शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में मनोज नेगी नामक 17 वर्षीय लड़के को सिर्फ इसलिए चाकू मारकर मार दिया गया क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया था। वहीं वायरल मैसेज में मनोज को चाकू मार रहे लड़कों को मुस्लिम समुदाय का बताया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। वहीं गलत जानकारियां शेयर करने में सबसे आगे रहने वाले ऐसे सुदर्शन न्यूज ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। तो इस चैनल के मुख्य प्रबंध निदेशक और प्रधान संपादक सुरेश चौहान के भी ये वीडियो शेयर करने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ये सीसीटीवी फुटेज ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। तो क्या वाकई में इस लड़के को चाकू मारने वाले ये आरोपी मुस्लिम है? इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने घटना से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट ढूंढी। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि कथित तौर पर बहन के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर दिल्ली में दो नाबालिगों ने एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के हवाले से बताया गया है कि पीड़ित पर उस वक्त हमला किया गया जब वो कंप्यूटर क्लास से लौट रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहीं भी मामले में सांप्रदायिक एंगल होने की बात नहीं बताई गई है। जी न्यूज की इस रिपोर्ट में शामिल पुलिस के बयान के मुताबिक दोनों आरोपी किशोरों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि वो मृतक की बहन को छेड़ते थे। मृतक ने उन्हें अपनी बहन से दूर रहने की चेतावनी दी और उन्हें थप्पड़ मारा। इसका बदला लेने के लिए इन दोनों आरोपी किशोरों ने मनोज को चाकू मारा था। बहरहाल इस रिपोर्ट में भी कम्युनल एंगल की बात नहीं बताई गई है। ऑल्ट न्यूज को इस घटना में दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी भी मिली। इसमें भी आरोपियों द्वारा बदला लेने के लिए मनोज को चाकू मारने की बात बताई गई है। एफआईआर में आरोपियों की पहचान हिंदू के रूप में की गई है। ऑल्ट न्यूज आरोपियों के नाबालिग होने के कारण उनकी पहचान जारी नहीं कर रहा। वहीं डीसीपी श्वेता चौहान ने भी मामले में सांप्रदायिक एंगल होने की बात से इनकार किया है। तो जैसा कि आपने देखा, दिल्ली में बहन से छेड़खानी करने वाले युवकों को चेतावनी देने पर आरोपियों ने एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी। लेकिन इस पूरी घटना को सुदर्शन न्यूज और राइट विंग विचारधारा वाले यूजर्स ने सोशल मीडिया पर कम्युनल एंगल के साथ शेयर किया। हालांकि सुदर्शन न्यूज का सोशल मीडिया पर घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देकर शेयर करने का लंबा इतिहास रहा है।